अब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग सीखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड कहने का मतलब है कि सपोज दो कंपाउंड दिया रहेगा, कंपाउंड ए वन दिया रहेगा, कंपाउंड ए टू दिया रहेगा, तो दो कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस कॉन्सेप्ट हमको बताना है। तो पहले वाला हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखे थे, मतलब एक ही कंपाउंड दिया रहेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक होगा, दो होगा, सपोज दो स्ट्रक्चर इसका ए का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें हमको स्टेबिलिटी बताना था, ये तो हम लोग सीख गए हैं। लेकिन सपोज हमारे पास दो कंपाउंड रहेगा या तीन कंपाउंड रहेगा, उसमें बताना पड़ेगा उस तीनों या दो कंपाउंड से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब ये रियल स्ट्रक्चर जैसा कुछ कंपाउंड रहेगा, तो उसको एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज इसका एक रूल है, रूल पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या है कि पहले रूल के हिसाब से सपोज ये एग्जाम्पल है, यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर पहला है, यह स्ट्रक्चर दूसरा है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यार इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये बहुत ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो कितना बनेगा, ये बहुत लार्ज साइज का है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूरी ज़्यादा ही बनेगा इससे। तो ऐसे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इस कंपाउंड्स का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनेगा और इस कंपाउंड से, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिखिए आप इसका स्टेटमेंट ये है कि लार्जर कंजुगेटेड सिस्टम इज मोर स्टेबल इफ द नेचर ऑफ बॉन्ड आर सेम, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन 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 के बीच का बॉन्ड है, तो प्रोक्स ये सेम टाइप ऑफ कंपाउंड है, ओनली इसमें लार्जर कंजुगेशन सिस्टम है, इसमें स्मॉल कंजुगेशन सिस्टम है, तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा। सो एज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहाँ ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस लीड टू स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये भी हम लोग ये बात बोल सकते हैं। सो अगर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम नेचर ऑफ कंपाउंड्स होगा, सेम नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, तो इसमें कंजुगेशन इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ना हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर कुछ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होगा और नंबर ऑफ कंजुगेशन भी सेम होगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ कंजुगेट इन कंजुगेशन सिस्टम सिक्स कार्बन इन्वॉल्व है, इस कंजुगेशन सिस्टम में भी सिक्स कार्बन इन्वॉल्व है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस सिक्स कार्बन इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी सिक्स कार्बन इन्वॉल्व है, इसमें जितना कंजुगेशन होगा उसमें इसमें भी उतना ही कंजुगेशन होगा, जितना इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली इसमें कुछ डिफर होगा, इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें भी बनेगा। तो इसमें क्या है कि ये साइक्लिक है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जो ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो जो साइक्लिक वाला जो कंजुगेशन सिस्टम होता है और नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व रहता है वो सेम रहता है, तो ये साइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो पहले वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड से। तो इसका अगर हम लोग स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो हम लोग इस तरह स्टेटमेंट इसका हम लोग लिख सकते हैं कि साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम इफ एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन ओपन चेन व्हेन द सेम नेचर ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो साइक्लिक होगा तो वो एरोमेटिक होना चाहिए, साइक्लिक और एरोमेटिक होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे केस में जब सेम नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ देख रहा है अप्रोक्स सेम टाइप ऑफ कंपाउंड है, बस ये साइक्लिक एरोमेटिक है या ओपन साइक्लिक है, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम,
सो ऐसे केस में ये साइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो दो कंपाउंड है, इसमें ये स्टेबल हो गया, पहला ज़्यादा स्टेबल हो गया। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वल रेजोनेंस, तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है एक इक्वल रेजोनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वल रेजोनेंस। एक्चुअली इक्वल रेजोनेंस होता क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इक्वल रेजोनेंस, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इक्वल रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली मैक्सिमम। इससे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ सबसे पहले ये पढ़ेंगे मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। या मतलब सेम है, या लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग या इसको बोल सकते हैं इक्वल रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं। सपोज हम लोग कोई एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सपोज एक कोई स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं CH2, ये हम लोग एक स्ट्रक्चर लिए हैं इसका। अच्छे से लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ये वाला हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH CH2, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये माइनस प्लस आ गया। अगर दोनों कंपाउंड से हमको स्टेबिलिटी देखना है, देखो सेम कंपाउंड का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये RS1 है, ये RS2 है, इस टू आर एस ये RS1 है, ये RS2 है, तो ये दोनों में से अगर स्टेबिलिटी देखना है तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स जितना होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अनचार्ज कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें चार्ज कुछ नहीं है, इसमें चार्ज है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और ऑक्टेट रूल भी देखना है, तो इसमें सारा कंप्लीट ऑक्टेट है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर R1 ये ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर R2 से। तो इस तरह हम लोग ये बोलेंगे ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, यानी जो ज़्यादा जितना स्टेबिलिटी जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा होता है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जिस कंपाउंड का जितना लेस स्टेबिलिटी होता है वो लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें से दो ही रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यानी ये मैक्सिमम हो गया, लिस्ट हो गया। अगर तीन चार स्ट्रक्चर बनता उसमें कोई एक मैक्सिमम होता है, कोई एक लिस्ट होता, बाकी सब बीच में आता है, इंटरमीडिएट आता। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि वो जैसे मान लो हम लोग क्या रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या था कि अगर दो से अधिक किसी कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अगर इफ़ यू कैन राइट टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड देन दे कैन शो रेजोनेंस एंड नॉट एनी वन कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। अगर इसे इस कंपाउंड का दो स्ट्रक्चर्स का दो लुईस स्ट्रक्चर हम लोग राइट कर सकते हैं ये रेजोनेंस शो कर रहा है, और कोई एक स्ट्रक्चर सारे किसी इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा CH2 CH, इसमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, इधर यहाँ पे ये होगा, यहाँ क्या आएगा डेल माइनस आएगा और डेल प्लस आएगा, ठीक है। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये इसके मत कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑल द बॉन्ड्स लेंथ आर इक्वल बट अकॉर्डिंग टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ अलग है, इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ अलग है, यहाँ पर भी इसका बॉन्ड लेंथ अलग है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई सिंगल सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, एनी वन सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। सो द रेजोनेंस हाइब्रिड ये हमारा रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर ऑल द प्रॉपर्टीज को हमारे साथ एक्सप्लेन करता है। तो जो कंपाउंड इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कंपाउंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ही अधिक स्टेबल होता है वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। इसका जितना प्रॉपर्टी आएगा, मतलब इसका मान लो 100% प्रॉपर्टी है, सपोज इसका प्रॉपर्टीज कितना है 100% इसका प्रॉपर्टीज है, इसका 100% प्रॉपर्टीज है, यानी ज़्यादा अगर जितना इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज ये इसका प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा।
अगर ये लिस्ट स्टेबल है यानी ये बहुत कम स्टेबिलिटी को कम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ आ रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड के प्रॉपर्टीज़, या तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज़ जो भी आ रहा है वो बहुत कम एक्सप्लेन करेगा लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं अगर स्टेबिलिटी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो वही जित वो तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ वो एक्सप्लेन करता है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, वही मैक्सिमम प्रॉपर्टी को जो एक्सप्लेन कर रहा है वही बात को हम लोग बोलते हैं एक टेक्निकल टर्म में कि ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अगर दो तीन स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें इंटरमीडिएट आ जाएगा कोई भी, इसमें उसमें भी लिस्ट हो जाएगा, कोई भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसमें दो ही बन रहा है तो इसलिए मतलब मैक्सिमम या लिस्ट होगा, या मैक्सिमम ये होगा तो ये लिस्ट ये होगा। तो वही मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग करने का मतलब है मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से गेन करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ को उसको मैक्सिमम एक्सप्लेन करता है उसी को मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसी तरह एक इक्वल रेजोनेंस होता है, इक्वल रेजोनेंस हम यहाँ बताए थे, इक्वल रेजोनेंस या इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल रेजोनेंस कहने का मतलब है कि मतलब कोई दो कंपाउंड्स बनेगा, इक्वल रेजोनेंस तो अलग कॉन्सेप्ट उसको हम बताएंगे। यहाँ तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग और लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग तो समझ लिए, अब इसके बाद हम लोग मैक्सिमम बाद हम समझाते हैं। CO एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं CO3 2- कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो पता है बॉन्ड कैसा आएगा, CO इस तरह। इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर लेफ्ट ले आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर ले आते हैं ताकि लिखने में अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, इसका हम लोग और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर माइनस आया। ठीक है, इसका और भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला इधर माइनस जाएगा तो ये प्लस में आएगा, और ये माइनस में आएगा तो ये वाला इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ हो जाएगा, CO- ये स्ट्रक्चर आया। तो ये स्ट्रक्चर आया, फिर हम लोग एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये वाला इधर आएगा और ये वाला इसको इधर कोऑर्डिनेट कर देगा। देखो ये स्ट्रक्चर आया, तो इसमें ये देखने पे लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है अप्रोक्स यही सेम स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे नीचे में दो दो था माइनस, यहाँ पे इस साइड में दो माइनस चला गया, एक डबल बॉन्ड था, मतलब स्ट्रक्चर से ये खाली लगता है वो घुमा घुमा कर रख दिया गया, ऐसा लग रहा है घुमा घुमा के सिर्फ रख दिया गया है, बस यही लग रहा है। लेकिन सब में ये सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये तीनों इक्वल कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 ये करता है, 1/3 ये करता है, 1/3 ये करता है, मतलब 1/3 प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करता है, 1/3 प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है, 1/3 प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली हम लोग अगर बेंजीन का बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह बेंजीन का बनाएंगे तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लगता है घुमा कर रख दिया गया, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला 1/2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये वाला 1/2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये वाला 1/2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एकदम सेम लगता है, वो सेम ये वाला कंपाउंड सेम लग रहा है, घुमा घुमा कर रख दिया ऐसा लगता है। और एक अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तो हम एग्जाम्पल बना के दिखाए हैं बहुत बार, यहाँ पर CH होगा, ये हो गया। इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो किस तरह ड्रॉ हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आ जाएगा, CH2 CH, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर लगता है सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस चार्ज आ रहा है सेकेंड कंपाउंड में, ये फर्स्ट में कहीं पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो दोनों लगता है सेम अलग अलग लग रहा है। तो ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ये इक्वल रेजोनेंस नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये दो तीन कंपाउंड्स ये जिसमें देख रहे हैं इस टाइप के कंपाउंड्स में, इसमें देख रहा है
इसमें भी एक डबल बॉन्ड्स था इस टाइप का कंपाउंड्स, यहाँ पे ये वाला इस जगह पर है, यहाँ पे ओ माइनस वाला एक बॉन्ड वाला था, यहाँ भी ओ माइनस का बॉन्ड वाला है, यहाँ पे एक और था, मतलब दो था इस तरह का, दो यहाँ पर है, एक ऐसा था तो एक ऐसा वाला है, यहाँ पे एक ऐसा वाला है तो यहाँ पे एक ऐसा वाला है, मतलब ये सब सेम लग रहा है, दुख सकता है खाली घुमा घुमा कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे ये वाला बनाया है, ये वाला रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे नहीं लगता घुमा घुमा कुछ रखा है। तो ऐसे कंपाउंड ये नॉट इक्वल कंट्रीब्यूटिंग होता है, लेकिन ये ऐसी टाइप का जो कंपाउंड होता है ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग होता है, जो लगता है घुमा घुमा के रख दिया है, मतलब सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स लगता है, ये सेम टाइप्स ऑफ कंपाउंड है, खाली घुमा घुमा के लगता है रख दिया। तो इस सब कंपाउंड्स को इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग समझ गए, मैक्सिमम लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर समझ गए, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग को बोल सकते हैं, इक्वल रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी के बारे में समझना है। सपोज टू कंपाउंड दिया गया है, सपोज ये कंपाउंड दिया गया है, इसको हम लोग मानते हैं कंपाउंड सी टू मानते हैं, इसको सी टू कंपाउंड मानते हैं, सिर्फ ये दिया गया, मान लो सिर्फ यही कंपाउंड दिया गया है, और एक कंपाउंड ये दिया गया है, एक ये कंपाउंड दिया गया, ये सी वन मानते हैं, इसको सी वन मानते हैं इस कंपाउंड को, और इस कंपाउंड को सी टू माने। अब सी वन और सी टू के बीच में कंपेयर करना होगा, सी वन और सी टू के बीच में कंपेयर करना होगा विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो सी वन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा सी टू के, सी टू से। क्यों सी वन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा? क्योंकि सी वन एक इक्वल कंट्रीब्यूटिंग है, इसका अगर रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तीन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा और तीनों इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इक्वल ये दोनों सब तीनों इक्वल कंट्रीब्यूट करता है, तो इससे इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये वाला इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, वन बाई वन थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, और इस तरह ये रेजन जो बन रहा है इसका व्यंजन, ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। अगर इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल अभी हम लोग और देख सकते हैं, जैसे ये इस तरह का एग्जाम्पल है वो माइनस, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस आएगा, ये यहाँ प्लस बनेगा, जो ये प्लस माइनस को प्लस को कोऑर्डिनेट कर देगा इस तरह, और ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर सेम लग रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये वन बाई टू कंट्रीब्यूट करता है और ये वाला वन बाई टू कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही स्ट्रक्चर हो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, हो सकता है कि दो से अधिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, जैसा कि हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएं। तो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को पहचाना तो समझ गए होंगे कि सिर्फ लगेगा घुमा घुमा कर रख दिया, बाकी सब कुछ सेम लगेगा, इसमें जिस तरह का बॉन्ड होगा, जिस तरह का माइनस चार्ज होगा, उसी तरह का इसमें होगा, इस तरह का इसमें होगा, यहाँ पर जिस तरह का ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह का। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह का नहीं चांसेस है, ये बहुत अलग स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी और एक इक्वल कंट्रीब्यूटिंग एग्जांपल दिए, ये भी इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये जिस तरह का डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ है, एक सिंगल बॉन्ड ओ माइनस है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो जहाँ भी इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आता है, अगर कोई कंपाउंड अगर क्वेश्चन में आता है, अगर ए एक कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, ए का दो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनता है और बी का पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे केस में भी ये वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। ये इक्वल कंट्रीब्यूटिंग कहने का मतलब ये है, ए का ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा बी से। जो इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड्स होता है, जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा हो। तो ये एक केस हो गया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी का आता है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस कंजुगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टेबिलिटी, सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चौथा, एक क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन एक क्रॉस कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग टीचर जो पढ़ाते हैं बहुत कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन ये वाला हम बता रहे हैं बहुत ईजी है, एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए याद हो गया, और इसमें क्वेश्चंस बहुत तगड़ा पूछा जा सकता है। अब पैसेज वैसेज में तो पक्का कंफ्यूज, इसका इसमें क्रॉस कंजुगेशन में इतना कॉन्सेप्ट है ना, एक पैसेज ही बन जाएगा, इसमें एक पैसेज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से इसको करना है, ठीक है। तो क्रॉस कंजुगेशन में एक्चुअली होता क्या है, एक हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स सी हाँ ये कंपाउंड्स, इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो कंजुगेशन है इसमें कंजुगेशन को मार्किंग करना है, कैसा कंजुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स, ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
ऐसा ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल है, इस टाइप का कंजुगेशन पॉसिबल, ये मतलब क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंजुगेशन है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका आपस में कोई कंजुगेशन नहीं है, इसका इसका आपस में कोई कंजुगेशन नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड इस साइड का ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल है, इस साइड का ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल है, लेकिन इस साइड का ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल है, लेकिन ये ऐसा कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा आपस में कोई कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ये मार्किंग कर सकते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। अगर हम लोग अगर लिखना चाहें इसको, इसको हम लोग अगर मान लें इसको ए मान लेते हैं, ए ग्रुप मान लेते हैं, इसको इसको बी ग्रुप मान लेते हैं, इसको बी ग्रुप मान लेते हैं, और इसको इसको हम लोग सी ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा, ए सी बी, अगर ऐसा हो, इसमें ऐसा कंजुगेशन है, इधर से इधर कंजुगेशन और इधर से इधर कंजुगेशन है, लेकिन आपस में ए बी का कोई कंजुगेशन नहीं है, ए और सी का कंजुगेशन है, बी और सी का कंजुगेशन है, लेकिन ए और बी का कंजुगेशन नहीं है, तो ऐसे को क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। देखो ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। और जो इस टाइप का कंपाउंड्स होता है, इसमें इसको लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन, इसको लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। इसको लीनियर कंजुगेशन, इसको क्रॉस कंजुगेशन। अगर क्रॉस कंजुगेशन को पहचाना है तो किस टाइप कंपाउंड्स को सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कंपाउंड अगर ये वाला हम लोग नीचे वाला शो किए हैं, इसको इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ए बी, इसमें ए सी का कंजुगेशन है और बी सी का कंजुगेशन है, ए सी का कंजुगेशन है, बी सी का कंजुगेशन है, लेकिन ए बी का कंजुगेशन नहीं है। ऐसे कंपाउंड इस टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा उसको हम लोग क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। और जनरली अगर सेम नेचर ऑफ कंपाउंड हुआ, ये जो हम लोग एग्जांपल दिए, ये कंपाउंड अप्रोक्सीमेटली सेम नेचर का है, तो ऐसे केस में क्रॉस कंजुगेशन जो कंपाउंड होता है वो लेस स्टेबल होता है ऐसे लीनियर कंजुगेशन से। लीनियर कंजुगेशन का ये ज़्यादा स्टेबल होता है ये क्रॉस कंजुगेशन से, अगर सेम नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर सेम नेचर ऑफ बॉन्ड्स आर सेम, इफ बॉन्ड नेचर आर सेम, इफ बॉन्ड नेचर आर सेम, देन द क्रॉस कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन द लीनियर कंजुगेशन। यहाँ पर पॉइंट बना के क्लिक देते हैं, इफ सेम नेचर ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट देन क्रॉस कंजुगेशन इज मोर स्टेबल, क्रॉस कंजुगेशन इज लेस स्टेबल, एक्चुअली लेस स्टेबल इज लेस स्टेबल एंड लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर लेकिन ये हमेशा नहीं होता, याद रखना ये जो पॉइंट लिखा हुआ है हमेशा नहीं होगा, सिर्फ सेम नेचर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेगा तभी ऐसा केस में क्रॉस कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है लीनियर कंजुगेशन से। अब इसके ये तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता रहे हैं इसके बारे में, क्रॉस कंजुगेशन बारे में। अभी क्रॉस कंजुगेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। डिटेल में मतलब क्या है कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में समझाएंगे क्रॉस कंजुगेशन एग्जाम्पल के साथ में। सपोज एक एग्जाम्पल है सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ओ सी एच थ्री, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये हमेशा यहाँ पर ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये जो लोन पेयर है इसको भी इस तरह रेजोनेंस करना चाहेगा, ये लोन पेयर इस तरह इधर से देना चाहेगा, और ये जो यहाँ पर इसका इसका ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरह देना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, और इसको स्टेबलाइज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेगा, यानी इस तरह रेजोनेंस करना चाहेगा, इस तरह रेजोनेंस करना चाहेगा। मतलब हम एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ओ माइनस ये और ओ सी एच थ्री, ये इस तरह करना चाहेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि ये इधर से रेजोनेंस करेगा, एक पॉसिबिलिटी इधर से भी है, इधर से भी रेजोनेंस करेगा। तो
इधर ये भी करेगा, ठीक है। एक इधर इधर से भी इसको डोनेट करना चाह रहा है और इसको इधर से भी डोनेट करना चाह रहा है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्मेट में लिखें, इस स्ट्रक्चर को अलग हम लोग जनरल फॉर्मेट में लिखें तो इस स्ट्रक्चर इस ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। ए सी से कंजुगेशन करता है, ए सी से कंजुगेशन करता है और बी सी से कंजुगेशन करता है, लेकिन ए बी आपस में कंजुगेशन नहीं करता है, ए बी का आपस में कंजुगेशन नहीं है। ए का इसको मानते हैं, अगर इसको ए मानते हैं तो इसको सी मानते हैं, तो ए का सी का कंजुगेशन है, बी का सी से कंजुगेशन है, लेकिन ए बी का आपस में कोई कंजुगेशन नहीं है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो वो क्रॉस कंजुगेशन कहलाता है। तो अगर क्रॉस कंजुगेशन का अगर डेफिनेशन लिखना हो इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं इफ ए एंड सी एंड बी सी इज इन कंजुगेशन बट ए बी इज नॉट इन कंजुगेशन। देन इट इज कॉल क्रॉस कंजुगेशन। इस तरह हम लोग समझ गए एवियन कंजुगेशन बट इट इज नॉट इन क्रॉस कंजुगेशन। सो अगर हम कुछ एक दो स्ट्रक्चर लिखते, दो का स्ट्रक्चर बताना है कि क्रॉस कंजुगेशन उसमें है या नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग लिख रहे हैं, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर और ये हो गया इसमें क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्रॉस कंजुगेशन में है। क्यों है ये का स्ट्रक्चर? क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज ये वाला कंजुगेशन में है, इस तरफ से ये कंजुगेशन में है, ये वाला इस तरफ से कंजुगेशन में है। लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा देते हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल ये कंजुगेशन में नहीं है, ये वाला आपस में कंजुगेशन में नहीं है, तो इस तरह ये क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ये वाला भी क्रॉस कंजुगेशन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाला क्रॉस कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि ये वाला क्रॉस कंजुगेशन होने के लिए ये वाला इधर बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक ही नहीं करेगा, ये वाला होगा ही नहीं होगा। हम लोग का क्या होगा, ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, इससे माइनस आएगा, फिर ये वाला इधर ब्रेक करेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये वाला एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है, एक नॉर्मल कंजुगेशन होता है जिसमें सिर्फ एक ही कंजुगेशन होता है, और जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन में एक से अधिक कंजुगेशन होता है उसको हम लोग एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड में सपोज इसमें सिर्फ एक ही कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन किसको बोलते हैं, जिसमें एक इसमें देखो ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया, सिर्फ एक ही कंजुगेशन है उसको नॉर्मल कंजुगेशन, जिसमें एक्सटेंडेड मतलब एक से अधिक कंजुगेशन वाला सिस्टम प्रेजेंट है। ये वाला आपस में कंजुगेशन कर सकता है और ये वाला आपस में कंजुगेशन कर सकता है, नहीं ऐसे कंजुगेशन सिस्टम को बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम। इसमें भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम है, ये वाला आपस में इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, मतलब ये वाला आपस में इससे किया, ये वाला आपस में इधर से किया, ये वाला इधर से किया, ये वाला इधर से किया, मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये क्रॉस कंजुगेशन में नहीं है। तो अगर कोई पूछे तो ये वाला हमारा क्रॉस कंजुगेशन है और ये वाला हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कौन सा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है और कौन सा क्रॉस कंजुगेशन है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में क्रॉस कंजुगेशन में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3 ये एक क्वेश्चन है और CH ये दो एग्जांपल है। इस एग्जांपल में इसको इस बॉन्ड को ए माना गया, इस बॉन्ड को बी माना गया। अब बोला है कि फाइंड बॉन्ड लेंथ, मतलब कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड, कंपेयर एक्चुअली यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ए एंड बी, ए बी को कंपेयर करना है, किसका ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है, कि कैसे कंपेयर करना है।
तो इसका आंसर हमारा ऐसा कैसे आएगा, क्रॉस कंजुगेशन से। क्रॉस कंजुगेशन से कैसे इसका आंसर आएगा, सपोज ये वाला अगर इस तरह इधर से जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें आता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है इसको इस तरह कोऑर्डिनेट करके यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मतलब रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आएगा, मतलब इस यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आएगा। यहाँ पर भी अगर ये वाला इधर अगर से जाता है नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो लोन पेयर है ये भी इसको कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड ये बनाना चाहेगा ना, लेकिन ये जो यहाँ पर इसका लोन पेयर है ये भी इसको लोन पेयर डोनेट करके यहाँ से इसको भी इस तरह डोनेट करके यहाँ पर इस तरह डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। यानी इधर से जो इसका जितना था बनाना चाह रहा था, जितना इसका मतलब कैपेसिटी था, उसका कैपेसिटी को हिंडर कर दिया। ये इधर से भी इसको देना चाह गया और इधर से भी देना चाह गया, यानी दोनों का जो कैपेसिटी जितना था लोन पेयर को डोनेट करने का, यहाँ पर रेजोनेंस करने का, वो कैपेसिटी कम हो गया। ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो डेवलप हो रहा था, जितना ज़्यादा यहाँ पर जितना डेवलप हो रहा है उतना यहाँ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इधर से जो डोनेट इसे करने जा रहा है उसे इधर से भी डोनेट कर रहा है। यानी जो कैपेसिटी था यहाँ पर जितना ये डोनेट करने जा रहा था, ये इधर से डोनेट करने लगा, मतलब इधर का जो कैपेसिटी था डोनेट करने का ये इसने हिंडर कर दिया, इस NH2 ने, इसका लोन पेयर ने इसको हिंडर कर दिया, इसका जितना कैपेसिटी है तो डोनेट करने का हैंडल हो गया। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो हो रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा डबल बॉन्ड्स का करेक्टर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड्स का करेक्टर ज़्यादा है, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक का बॉन्ड लेंथ काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा, डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उतना डबल बॉन्ड्स करेक्टर नहीं है जितना यहाँ पर डबल बॉन्ड्स करेक्टर है। तो यहाँ का बी का जो डबल बॉन्ड्स का करेक्टर है लेकिन इसका भी डिक्रीज कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है लेकिन ए का ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, ए का बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, बी का थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिक्रीज कर गया, यानी पहले पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड था, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल था, लेकिन ए ज़्यादा डिक्रीज कर गया, यानी बी का बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा होगा, बी का बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा होगा। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्रॉस कंजुगेशन के कारण इसका बॉन्ड लेंथ, यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम हो गया, इस तरह से एप्लीकेशन इसका क्रॉस कंजुगेशन का आ सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल्स और है जो समझना बहुत ज़रूरी है, उसको एक समझा रहे हैं, एक कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, मतलब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, स्पेशल एग्जाम्पल है, मतलब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसलिए मैं इसको बता रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल क्या है कि CH2CHCl, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन समझना बहुत ईजी है। अगर ये वाला इधर ब्रेक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हो नहीं रहा, यहाँ पे नेगेटिव आया, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया तो इसका जो लोन पेयर होगा उसको कोऑर्डिनेट कर देगा, जब लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा तो CH2- हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH कोऑर्डिनेट करके Cl+ बना देगा। एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है, और एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है कि ये एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है इसका, कि ये वाला इधर टूट जाए, इधर टूटेगा तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, ये माइनस आया तो इधर ये माइनस वाला इसमें से कोऑर्डिनेट कर देगा, इधर कोऑर्डिनेट कर देगा, इसका क्लोरीन का वेकेंट डी ऑर्बिटल में ये कोऑर्डिनेट कर देगा। तो कोऑर्डिनेट करने के बाद कैसे होगा, CH2+ सिंगल बॉन्ड Cl-, इस तरह का एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बना, ये वाला स्ट्रक्चर बना, तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन का, अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे एक RS1 बना, यहाँ पे RS1 बना, RS1 बना, ये RS2 बना, ये RS3 बना, ये RS1 RS2 RS3 में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है, ये कंपेयर करना है।
तो इसमें आर एस वन में देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये तो सारा आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आर एस वन तो स्टेबल होगा ही, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो इसमें चार्जेस डेवलप हो रहा है, तो चार्जेस डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर इस कंपाउंड में कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। इस कार्बन का 6 वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला ये कार्बन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है, ये क्लोरीन का कंप्लीट ऑक्टेट है, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये वाला इसका कोई चार्जेस नहीं है, तो ये तो श्योरली स्टेबिलिटी अगर चेक करना है एक का, तो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो RS1 होगा, RS1 होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब 2 और 3 में कंपेयर करना है, 2 में देखो यहाँ पर 2 में देखो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, सारे आइटम का कंप्लीट ऑक्टेट है, इस कारण RS3 ज़्यादा स्टेबल होगा, RS2 सबसे लास्ट में होगा। इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें क्या है कि इस एग्जाम्पल में CH3C ये है। अब इसका रिनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसा हो सकता है कि जो लोन पेयर यहाँ पर है, लोन पेयर जो अवेलेबल है, ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर जाएगा, तो ये किस तरह का रिनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH3C ये प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का देख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर ये कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सब कुछ का कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सबका ये कंप्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये RS1 है तो ये RS2 है, तो अगर इसमें कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी में, तो RS2 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा RS1 से। इस तरह हम लोग को स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा। इस तरह से हम लोग क्रॉस कंजुगेशन कंप्लीट कर लिए। अब एक रेजोनेंस एनर्जी बचता है, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही मतलब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब रेजोनेंस एनर्जी के बारे में तुम बता दे रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप तुरंत कोई बुक्स में भी पढ़ लेंगे तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी वेरी इजी,